नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोलिंजर बैंड का यूज़ हम ट्रेडिंग में कैसे करें। प्राइस एक्शन का यूज़ करके जब आप चार्ट देखते हैं तो आप बहुत अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी समय चार्ट के ऊपर बिताना पड़ता है, प्राइस को समझने के लिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। और यही काम यदि आप जल्दी करना चाहते हैं तो आपको इंडिकेटर का यूज़ करना चाहिए। इंडिकेटर में आज हम बात करने वाले हैं बोलिंजर बैंड कि बोलिंजर बैंड कैसे यूज होता है, कैसे लगाते हैं, वो हम आज कंप्लीट वीडियो यहाँ पर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। ये बैंक निफ्टी का लाइव चार्ट है, अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है 50,030 पर। मार्केट ओपन हुआ था 50,100 पर और वहाँ से डिप लगाकर 49,912 पे सपोर्ट लेकर यहाँ से ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पर अब ट्रेडिंग के डिसीजन आप कैसे लेंगे, कैसे बोलिंजर बैंड का यूज करेंगे ताकि आप सही डिसीजन ले सकें। सबसे पहले इंडिकेटर लगाने के लिए हमें किसी भी जो हमारा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जिसका हम यूज़ करते हैं वहाँ पर इंडिकेटर टैब होती है, इंडिकेटर एंड स्ट्रैटेजी, उस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमें हमारे इंडिकेटर का नाम लिख दें, जैसे हम बोलिंजर बैंड का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर BO लिखने के बाद ये बोलिंजर बैंड हमें दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा बोलिंजर बैंड हमारे चार्ट पर प्लॉट हो जाता है। अब यहाँ पर बोलिंजर बैंड के जो कंपोनेंट हैं वो तीन कंपोनेंट होते हैं इसमें, बेसिकली अपर बैंड, लोअर बैंड और एक बीच में जो लाइन दिख रही है मूविंग एवरेज की लाइन, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम इसको एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पर मीडियम, अपर और लोअर तीन बैंड है, तीनों अलग अलग कलर से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इनको आप चाहें तो और इनकी थिकनेस बढ़ा सकते हैं ताकि ये आपको अच्छे से विजिबल हो जाए चार्ट पर, और ओके पर क्लिक कर दें। अब इनपुट की बात करें हम, इसके जो कंपोनेंट है, जो लेंथ होती है इसकी 20 का इसमें डिविएशन होता है अपर बैंड और लोअर बैंड के बीच में, और ये 20 पीरियड का मूविंग एवरेज होता है। एक्चुअली ये जो बीच वाली लाइन है, येलो लाइन आपको दिख रही है, ये होता है 20 पीरियड का मूविंग एवरेज, और स्टैंडर्ड डिविएशन होता है इसमें 2 का। नाउ अब यहाँ पर जैसे ही हम ये बोलिंजर बैंड हमारे चार्ट पर प्लॉट हो जाता है तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा। अब इसमें डिसीजन आप कैसे लेंगे, कैसे बाय और सेल के डिसीजन लेंगे और कहाँ पर ये चौपी मार्केट है ये शो करेगा, पूरी जानकारी हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। बोलिंजर बैंड का सीधा सीधा फंडा ये है, सिंपल सा इसकी थ्योरी है कि यदि बोलिंजर बैंड के अपर एंड पर आपको कोई भी कैंडल दिखे और वहाँ से एक बेरिश कैंडल है वो उसके साथ बनती हुई दिखे, उसका लो तोड़ती हुई दिखे, तो यहाँ पर आपको एक सेल सिग्नल जनरेट होता है और यहाँ से मार्केट अच्छा खासा आपको करेक्शन देता है। करेक्शन कहाँ तक आता है, करेक्शन आता है इस सबसे पहले 20 पीरियड मूविंग एवरेज जो ये मीडियन लाइन है यहाँ तक आता है, और अगर इसको भी तोड़ के नीचे जाता है तो फिर लोअर बैंड तक प्राइस जा सकता है, या फिर यहाँ पर 20 पीरियड की जो मूविंग एवरेज है इसको यदि सपोर्ट की तरह यूज़ करता है तो फिर यहाँ से एक अपसाइड दिखाकर वापस नीचे आ सकता है और फिर नीचे से वापस ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर ये बेसिकली हमें जो हमारा प्राइस चल रहा है उसका अपर एज और लोअर एज ये दिखा के रखता है कि हमारा प्राइस जो है इतना ऊपर जा सकता है और यहाँ से वापस नीचे भी आ सकता है। यदि यहाँ से मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो फिर कुछ इस तरह का सिनेरियो आपको देखने को मिलता है, कुछ इस तरह का ही है। ये जो सिनेरियो आपको दिख रहा है ये है एक ट्रेंडिंग मार्केट बोलिंजर बैंड का। यहाँ पर बोलिंजर बैंड क्या हो जाता है, फिर स्क्वीज, एक तरफ ज्यादा स्क्वीज हो जाता है। अब यदि बोलिंजर बैंड ये तो अपसाइड हो गई, यहाँ पे यदि डाउन स्विंग की बात करें तो यदि यहाँ पर आप काफी स्ट्रेच हो चुका है एक साइड में तो वहां से बोलिंजर बैंड के फिर सेल सिग्नल जनरेट होना के चांसेस ज़्यादा हैं कि मतलब प्राइस यहाँ से अब स्ट्रेच हो चुका है, अब इससे ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होगा और यहाँ से फिर आप एक सेल डिसीजन ले सकते हैं तो उसके लोअर एंड तक। बेसिकली बोलिंजर बैंड का यूज़ करके हम सपोर्ट रेजिस्टेंस, और हमने यदि कोई ट्रेड ली है तो उस ट्रेड में हम हमारा एक रिजनेबल स्टॉप लॉस और टारगेट सेट कर सकते हैं। और यदि बोलिंजर बैंड काफ़ी ज़्यादा स्क्वीज हो चुका है मतलब पतला हो चुका है तो ये डिसाइड कर, ये बताता है कि बोलिंग जो हमारा मार्केट है वो काफ़ी नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है, अब यहाँ से या तो वो आइदर अपसाइड में और या आइदर डाउन साइड में ब्रेक करेगा। अब ये हम कैसे पता लगाएंगे कि अपसाइड में ब्रेक करेगा कि डाउन साइड में, तो ये हम
प्राइस एक्शन से और वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज करके भी ये पता कर सकते हैं, यदि नेगेटिव वॉल्यूम है तो मार्केट नीचे आएगा, पॉजिटिव वॉल्यूम है तो मार्केट ऊपर ट्रेस करेगा, तोड़ेगा, ये हम लगा सकते हैं। तो बेसिकली तीन कंपोनेंट होते हैं बुलिंजर बैंड में, अपर बैंड, लोअर बैंड और मीडियन लाइन। 20 पीरियड का मूविंग एवरेज इसमें यूज होता है मीडियन लाइन में। और अपर बैंड के पास आप यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं, अच्छा खासा आपको वो रिवॉर्ड मिलेगा, और लोअर बैंड के आसपास आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, उसमें आपको रिस्क टू रिवार्ड काफी अच्छा रहेगा। एक कैंडल का बैंड के नीचे आप स्टॉप लॉस लगाकर बाई की ट्रेड लेंगे तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, और वहीं पे यदि आप अपर रेंज पर अगर सेल करते हैं स्टॉप लॉस के साथ तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है। तो ये बात थी बुलिंजर बैंड की, आई होप आप लोगों को बुलिंजर बैंड समझ में आया होगा। लगाना किस तरह से आप प्लॉट करेंगे, इंडिकेटर टैब में जाके इंडिकेटर लगा सकते हैं, और फिर यहाँ पर आपको बस प्राइस प्रिडिक्ट करना है इंडिकेटर के हिसाब से, और आप अच्छे खासे डिसीजन ले पाएंगे। अब ये जो चार्ट आपका दिख रहा है यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हैं कि अपर रेंज पर आप यदि सेल से डिसीजन लेते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, और लोअर एंड पर यदि आप बाई की ट्रेड लेते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। बुलिंजर ब्रांड को और दूसरे जो इंडिकेटर है उनके साथ कंबाइन करके हम और अच्छे रिफाइंड ट्रेड निकाल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। उनको हम अगले आने वाले वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।